हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंजू कुमार में। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे वीडियो में ये है कि ये मल्टीमीटर चलाना 70% लोगों को नहीं आता है, तो आज हमने सोचा क्यों ना सभी लोगों को हम मल्टीमीटर चलाना आसानी से सिखा दें। तो सबसे पहले हम आपको बोल के सिखा देते कि इसमें कहाँ पे क्या रहता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये ऑफ है, देखो ये ऑफ है ना, ऑफ। इसको इधर अपने को एसी लाइट, अपने घर की जो लाइट वोल्टेज जो आता है वो चेक होता है इधर ऑफ के बाद। इधर जो है ना, ये एसी का इसमें निशान दिया हुआ है, और ये इधर आता है डीसी का। ठीक है, पहले इधर से आपको बताते थे ये एसी का आता है, ये ऑफ है, और ये ऑन हुआ है। ऑन होने के बाद ये एसी पे आ गया है। एसी का जो वोल्टेज देता हुआ, हम अपने घर का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये है अपना यहाँ से यहाँ तक एम्पियर का, एम्पियर अपने को अगर नापना है तो एम्पियर का यहाँ से अपने को मालूम पड़ेगा। ये इधर आने के बाद ये इधर इस पे आ गए हम। ये दोनों पे अपने को स्पीकर का रहता है, स्पीकर में जो इशू रहता है वो इससे पता लगेगा। ये रहता है अपने का डाइपोड, ये कुछ पार्ट्स रहते हैं ना हमारे, जैसे कि तीन टांग वाला आप मास्पेट देख लो, आप जो भी मास्पेट रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, वो सब इसी से चेक होते हैं। डाइपोड इसी से चेक होता है यहाँ पे इस वाले निशान पे। फिर यहाँ से इधर स्टार्ट हो जाता है, तो इधर होता है अपना ये रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्टेंट रहते हैं ना वो सारे इधर से चेक होते हैं। ये वाले भी रजिस्ट्रेशन चेक करने का, ये यहाँ पे भी इससे भी रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं यहाँ तक। और ये इधर आने के बाद ये इधर आए हम, इधर अपने को डीसी वोल्टेज कंप्लीट इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक करके बताते हैं। देखो दोस्तों, ये वाली में डीसी वोल्टेज चेक करके बताते हैं, इसका माइनस माइनस प्लस में प्लस। देखो दोस्तों, इसमें करंट ज़्यादा नहीं है, लो है ये। एक डीसी आप लिथियम सेल लेते हैं, लिथियम सेल चेक करके बताते हैं आपको। देखो दोस्तों, इसमें करंट ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसमें करंट ज़्यादा बता रहा है, देखो ये। और ये हमने इससे आपको डीसी चेक करके बता दिया है। अब एसी वाला चेक करके बता दे हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। देखो दोस्तों, ये इसमें देखना हम, ये हमारी शोल्डर में लाइट आई हुई है। देखो दोस्तों, ये हम आपको चेक करके बताते हैं हमारे घर में कितना वोल्टेज आया हुआ है। देखो ये 230 236 कुछ बता रहा है। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर अपने को इस वोल्टेज पे लेना है, और आप आसानी से चेक कर सकते हो। और आपको इसके थ्रू हम बताते हैं, हम आपको इससे मॉस्फेट चेक करके बता देते हैं। ये मॉस्फेट है जो कि चालू है। देखो दोस्तों, ये मॉस्फेट जो है ना चालू है, आपको ये चेक करके बताते हैं। अगर ये चालू है ना, तो बीच वाली में ये प्लस लगा लेना है, बीच वाली जो टांग है, और ये आजू बाजू में दोनों में इसको चेक करके देखना। अगर चालू होगा तो इसमें कोई भी संकेत नहीं आएगा, अगर बंद होगा ना तो ये वाला संकेत आ जाएगा। ये आवाज़ आई है ना, ये वाली आवाज़ आ जाएगी, और ये वाला संकेत हो जाएगा अगर बंद होगा तो। अगर कंप्लीट होगा तो कुछ भी संकेत नहीं आएगा। तो ये तो मॉस्फेट चालू करना आपको सिखा दिया है। और इसमें डायोड अगर चेक करना है, जैसे डाउड है, ये डाउड अगर चेक करना है ना, तो डाउड में ये जो प्लस है, ये प्लस वाला इधर रहेगा, और ये माइनस है ना, ये वाइट वाले हिस्से में रहेगा। देखो दोस्तों, ये नंबर चले समझ जाओ कि आप ये डायोड चालू है, अगर इसमें कुछ संकेत नहीं बताता तो ये बंद है। ठीक है, और इसमें आपको फ्यूज चेक करके बता देते हम। फ्यूज देखो, ये फ्यूज, ये फ्यूज अगर चालू होगा ना तो कंप्लीट अपने को इससे ही पता चलेगा। ये इससे फ्यूज भी चेक कर सकते हैं। अपने को अगर स्विच चेक करना है ये आपको चेक करके बताते हैं। ये देखो ऑफ, और इसका अगर ये इसको इधर से चालू कर दिया हमने, वो आपको चेक करके बताते हैं। ये मतलब ये चालू स्विच है अपना, अगर इसकी इधर से बटन बंद कर दो तो फिर करंट नहीं बताएगा। ये देखो, ये अगर बिल्कुल ही ख़त्म होगा आपका, जला हुआ अगर स्विच रहेगा ना, तो फिर वो कुछ बताएगा ही नहीं। ये चालू है तो ये बता रहा है, अगर वो जला होगा तो ये ऐसे रहेगा, फिर कुछ भी नहीं बताएगा ये। और ये हम इस पर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। देखो ये इधर रजिस्ट्रेशन चेक करके बताते हैं आपको। ये मतलब चालू कंप्लीट है, ये आपको चेक करके बताते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो ये कंप्लीट चालू है। देखो ये, देखो दोस्तों, ये
हाँ तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।